छिंदवाड़ा में रेत के धंधे से जुड़े युवक की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, यह खुलासा पुलिस ने किया है। युवक के परिजनों ने मामले में हत्या का शक जताया था। छिंदवाड़ा के शिवपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले समीन खान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। समीर लोहांगी में रेत के धंधे से जुड़ा था। परिजनों ने उसकी मौत को हत्या बताकर थाने में जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद एसडीओपी जीतन जाट ने सीसीटीवी फुटेज की मदद और पूछताछ के बाद संदिग्ध मौत की गुत्थी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि समीर की मौत एक्सीडेंट के कारण हुई और व्हीकल एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। 8/6/2024 को थाना सिपुरी रावणवाड़ा अंतर्गत समीर पिता मोहम्मद समीर की मृत्यु की सूचना छिंदवाड़ा अस्पताल से प्राप्त हुई, जिस पर मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया था। प्रथम दृष्टया इसमें एक्सीडेंट होने की संभावना प्रतीत हुई थी। परिजनों के द्वारा प्रकरण में हत्या के संबंध में आशंका जाहिर की गई थी। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, जिसमें फ्रैक्चर एवं शॉक की वजह से मृत्यु होना बताया गया है। इसके साथ ही घटना स्थल का निरीक्षण किया गया, जो वाहन चालक एवं वाहन मालिक की उनसे पूछताछ की गई। घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें जो मृतक है वो ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ था एवं उससे गिरने के कारण जो चालक था उसके द्वारा तेजी एवं लापरवाही से जो है ट्रैक्टर चलाया गया था, जिससे ट्रॉली से गिरने के कारण मृतक की मृत्यु हुई है। तो प्रकरण में हत्या संबंधी कोई भी तथ्य नहीं पाए गए हैं। इसमें जो वाहन चालक है एवं वाहन मालिक है उनके विरुद्ध 304 मादावी एवं इंडेक्ट की विभिन्न धाराओं के प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।